बी एस सी, बीस बीस, सेट बी सी डी के दो दो नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जल्दी। तो इस वीडियो के अंदर हमारे ये 5 पर्सन हैं, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3 सेट बी का, ये मैंने सब क्वेश्चन का नाम लिख रखे हैं। तो इसका पहला पर्सन है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब होता है कि टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी हमारी 13.6 ईवी। उसके बाद उसने पूछा है नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी बताओ। याद रखने का तरीका बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, याद कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होती है तो ये जो ये खुद ही नेगेटिव है, यानी कि माइनस टोटल एनर्जी, और माइनस टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस 13.6, तो उत्तर कितना आ गया प्लस का 13.6। ठीक है, याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की नेगेटिव होती है, जो इसमें टोटल एनर्जी वो खुद ही नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। उसके बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 × काइनेटिक एनर्जी, 2 × टोटल एनर्जी, यानी कि 2 × माइनस 13.6, तो आगे माइनस 12 26 27.2। ठीक है, याद करने का तरीका समझा दे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है मास और बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो उत्तर क्या आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट भाई, इसके अंदर हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाना है, तो इस डायग्राम को हम ऐसे बना देते हैं। ये दोनों सीरीज में हो गए, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद दोनों ये सीरीज में हो गए, ये 4 और 3, ये हो गया 4 3 7 3 4 7। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे, देखो जो सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, सीरीज के अंदर ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, आर एस इज इक्वल टू 3 + 4, इसी तरह इसका भी कितना आ जाएगा 4 + 3, तो ये जो डायग्राम है किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये डायग्राम होगा हमारा 7, फिर ये भी 7, ये वाला भी 7 है, और 4 और 3 7, इनको जोड़ोगे तो इनका भी उत्तर कितना आ जाएगा 7। अब ए और बी के बीच में बताना है, अभी चारों के चारों जो अरेंजमेंट है हमारी किस में पैरेलल के अंदर, पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं 1/RP करके, यानी कि 1/7 + 1/7, और हमने RP निकालना ही हो जाएगा हमारा 4/7, यानी कि 7/4 ओम। ऐसे इसको हम कर लेंगे शॉर्टकट करके, वैसे भी कैची सिस्टम लगाते हैं तो यही वही 4 और 3 7 आता है। नेक्स्ट भाई, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ, इतना एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन हमारा जो पर्सन इसमें वेवलेंथ दे रखा है तो न्यू इज इक्वल टू C/λ। फार्मूला याद रखा करो, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल होती है सी, दूरी हमारी लैम्डा, समय है टी, ये वाले फार्मूले, ये दूरी होगी समय हो गया, पूरा चक्कर काटेगा तो टी बन जाएगा, और 1/T किसके बराबर होता है λ × न्यू, तो यहाँ से न्यू किसके बराबर आ गया, न्यू इज इक्वल टू C/λ, इसको हटाओ यहाँ से, E = hc/λ, एच का मान प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.6 × 10^-34, 3 × 10^+8, और लैम्डा का मान दे रखा है 632.8, नैनो का मतलब 10^-9, इन सब ने सोल्व कर ले उत्तर आ जाएगा 3.14 × 10^-19 जूल, ये सवाल भी हो गए। नेक्स्ट भाई, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दे स्टार्ट फ्रॉम, दीज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, ख़त्म हो जाती हैं वो, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी दे आर कंटिन्यूस, दीज आर कंटिन्यूस। तीसरी
टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है। यहाँ पे इसका रीजन समझाएंगे कि आपस में क्यों नहीं काटते। रीजन, मान लो ये जो फील्ड लाइन थी ये वैसे हमेशा सीधी चलती है, और जो टेंजेंट खींचते हैं वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन बाई द वे मान लो ये कभी काट गई ऐसे ही, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके ऊपर हम टेंजेंट खींचेंगे तो दो डायरेक्शन होगी। ये मान लो टी पॉइंट है, ये पी 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 वन टी, ये पी टू, इसको पी मान लेते हैं पॉइंट को, ये हो गया हमारा टी वन, ये हो गया टी टू। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर कितने होगी, दो टेंजेंट हो गए, और टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं होते, इसलिए काटती भी नहीं है। दो ही प्रॉपर्टी पूछ रखी हमने, तीन कर ली। एक साइड पर पूछ भी रखा है कि दो लाइन आपस में क्यों नहीं काटती, तो ऐसे ही समझाओ उसको कि इफ़ दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, अभी व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्राई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट्स आर। इक्विपोटेंशियल, देखो नाम से स्पष्ट है, इक्वी का मतलब इक्वल और पोटेंशियल का मतलब समान पोटेंशियल होना चाहिए सब कहीं पॉइंट पर। द सर्फेस इज एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन्स सेम, ताकि उस पर सेम रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो हमने एक ये सर्कल ले लिया ऐसा, इसका रेडियस हो गया, इसको हमने दो पॉइंट ले लिए, तो ए पॉइंट के ऊपर भी ये भी रेडियस है, ये मान लो आर ए, ये आर बी, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ए। वी बी कितना होगा, के क्यू अपॉन आर बी। लेकिन आप देखो आर ए और आर बी किसके बराबर है, आर के बराबर है से, तो अब इसका जब हम यहाँ पे आर आर रखेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वी ए बराबर वी बी, इनको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसे और कितने बना लो, सी डी लेके चलता रहो। उसके बाद कहते हैं इक्वी पॉइंट सरफेस खींच कर दिखाओ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज ले लो और बस ऐसे ही खींच दो, इक्वी पॉइंट सरफेस हो गए सारे, इनमें से लाइन बाहर निकाल दो। ये सारी इक्वी पॉइंट सरफेस, तो ये हमारे 6% हो गए, 5-6%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। थैंक्स, हैव अ गुड डे।